हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल। ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने 986 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया अगस्त के महीने में। विदेशी पोर्टफोलियो खरीदे गए 986 करोड़ रुपए के इक्विटी और पंप किए गए डेट सेगमेंट में 13,494 करोड़ रुपए। आंकड़ों के अनुसार 2 से 27 अगस्त के बीच डिपॉजिटरी डेटा अनुवादित निवेश 14,480 करोड़ रुपए के कुल शुद्ध निवेश में FPL 7,273 रुपए पर शुद्ध विक्रेता थे जुलाई के महीने में। टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया कंपनी ने जमशेदपुर में प्रति वर्ष 3,00,000 टन की अतिरिक्त क्षमता लगाने के लिए निवेश करते हुए एक विस्तार योजना को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट को लगभग 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। सब्सिडियरी डालमिया सीमेंट ने राज्य में 758 करोड़ रुपए के निवेश के लिए झारखंड सरकार के साथ 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए। जियोसेल कॉरपोरेशन ने हैदराबाद के कुकटपल्ली में 44.25 एकड़ ज़मीन को 451.79 करोड़ रुपए में बेचने के लिए स्क्वायर स्पेस इंफ्रासिटी के साथ एक समझौता किया है। लेन देन 3-6 महीने में पूरे होने की उम्मीद है एंड रिमेनिंग 32.09 एकड़ की भूमि हिंदुजा स्टेट के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर द डेवलपमेंट बेस्ड ऑन अप्रूवल। गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर एक्ट 1981 के तहत रिवोकेशन ऑर्डर जारी किया है। नजरा टेक्नोलॉजी ने अपने शेयर होल्डर यानी श्री राम रेड्डी वांगा और उन्नति मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स LLP से ओपन प्ले टेक्नोलॉजी में 100% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए एक या अधिक चरणों में 186.41 करोड़ रुपए में रणनीतिक निवेश करेगी। MOD ने भारतीय नौसेना के लिए आधुनिक युद्ध पोतों के लिए इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर डिफेंस सूट के निर्माण के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को 1,349.95 करोड़ रुपए का एक बड़ा अनुबंध दिया है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू।